गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने हमारे चैनल पे वीडियो डाला था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल कब फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल बनने के लिए दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के साथ में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई तीसरी लाइन इन दो लाइन जो पैरेलल है आपस में उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइन एल, लाइन एल और लाइन एम इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, किस पॉइंट एम में, पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सी डी को और पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को, ठीक है। जो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल होते क्या है। जैसे हमने कल करस्पॉन्डिंग एंगल का वीडियो डाला था, आज हम अल्टरनेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अल्टरनेट एंगल होते क्या है, अल्टरनेट एंगल जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल का मैंने बताया था, तो अल्टरनेट एंगल होते हैं। मान लो एक एंगल है ए ओ और पी, ठीक है, ए ओ और पी, तो इसका अल्टरनेट होगा ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए ओ पी का अल्टरनेट होगा एंगल ओ पी और डी, मतलब ए वाला एंगल जो है ओ पी डी, ये अल्टरनेट होगा एंगल ए ओ पी का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर अपने को 95 दी है तो इसकी वैल्यू भी 95 भी होंगी, मतलब 95 ही होंगी क्योंकि ये अल्टरनेट है इसका। उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू मान लो अगर अपने पास है 45 मान लो, तो इसकी भी 45 होंगी, मतलब इन दोनों में से किसी की वैल्यू दी है तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं कि 45 है करके। मान लो इसकी दी है तो हम इसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी दी है तो इसकी लिख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में चार पेयर बनते थे तो अल्टरनेट एंगल में दो पेयर बनते हैं, ठीक है। एक पेयर बनेगा जैसे एक इसका पेयर इसके साथ बन रहा है, उसी तरीके से इस एंगल का पेयर बनेगा इसके साथ में, ठीक है। माने कि अगर इसकी वैल्यू है मान लो 135, लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू भी 135 डिग्री होंगी, ठीक है। तो एक तो एक पेयर है ए ओ पी की पेयर है ओपीडी के साथ में, और दूसरी पेयर बनेगी बी ओ पी की पेयर बनेगी एंगल बी ओ बी पी ओ की पेयर बनेगी एंगल सी सी पी एम के साथ में, एंगल सी पी एम के साथ में। तो इन दोनों में से किसी की मान लो इसकी वैल्यू दी है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट। इसके अगले वीडियो में हम इंटरनेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।